Hello everyone, today we will learn how to use logical operators, relational and ternary operators. Last time मैंने आपको बताया था arithmetic operator, उसका बहुत सारे activity भी हमने किए थे and how to use binary operator, unary operator, उसका कुछ problem भी मैंने आपको दिया था. तो मैंने कुछ assignment भी दिया था आपको, आप लोग ने किए हैं कि नहीं? अगर आप कर रहे हो तो उसका answer comment section में डाल दो. कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी दे सकते हो, ऐसे आंसर भी दे सकते हो, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि चलो बच्चे कर रहे हैं. हाँ, मैंने जो दिया है कुछ काम में आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो. फिर मैं जब सॉल्व करूँगी आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हो. और जो जो मैंने असाइनमेंट दिया है आप नोटबुक में भी लिखो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए. मैंने पहले से बताया था जब मैंने वीडियो शुरुआत किया था कि जो मैं वीडियो दे रही हूँ, ऐसे नहीं कि मैं बुक में से आप पढ़ रहे हो या डायरेक्ट बाय हार्ट कर रहे हो, मैं हाउ टू इम्प्लीमेंट, हाउ टू यूज में दे रही हूँ. ओके, तो कैसे मैं लॉजिक लगाएंगे ये हम सीखेंगे. तो इसलिए ऐसा नहीं कि बहुत सारे वीडियो मिलता है तो आप सीख सकते हो, लेकिन ये जो मैं दे रही हूँ वो अपना खुद का कैसे लॉजिक लगाओगे, हाउ टू इम्प्लीमेंट द थिंग्स, इसलिए मैं दे रही हूँ. आप 15 मिनट टाइम निकालो और जो जो वीडियो मैं डाल रहे हो उसको देखो, और जो जो मैं असाइनमेंट दे रही हूँ उसको सॉल्व करो, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. ओके, सो टुडे विल डिस्कस लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल एंड टर्नरी ऑपरेटर. मैंने पहले से बताया था अरिथमेटिक, लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर जो है ना, वो तीनों ज़्यादा यूज होता है, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये यूज होता है. टर्नरी ऑपरेटर C++ जावा में यूज होता है. ओके, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द कंडीशनल ऑपरेटर. ओके, तो हम अभी पहले लॉजिकल ऑपरेटर पहले हम डिस्कस करेंगे. तो लॉजिकल ऑपरेटर बोले तो सब लोग को पता है कि एंड और नॉट, तो मिस क्या ज़्यादा बताएगी, हमें तो पता है तो हमें वो वीडियो नहीं देखना है, ऐसा नहीं. मैं आज आपको बताऊंगी लॉजिकल ऑपरेटर कहाँ पे यूज होता है, कब यूज होता है, किसे आप यूज करोगे, कौन सा सिचुएशन में आप यूज करोगे, दैट इज इम्पोर्टेंट. ओके ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे क्या क्या लॉजिकल ऑपरेटर है. एंड है, और है, नॉट है, ये तो सबको पता है. ओके, एंड के लिए C++ एंड जावा में एम्परसेंड यूज दो बार यूज होता है, और में पाइपिंग सिंबल 2 times, नॉट एक्सक्लेमेशन. ओके, तो जावा और C++ का मैं कॉम्बिनेशन बता रही हूँ, इसलिए मैं दोनों का कंपैरिजन भी बता रही हूँ. ओके, तो आपने ट्रूथ टेबल सुना होगा, तो दिस इज नोन एज अ लॉजिक टेबल. तो हम एंड का लॉजिक टेबल पहले देखेंगे. जैसे कि एंड में क्या होता है, अगर दो वैल्यू ट्रू होगा तो हमें ट्रू मिलता है. इफ एनी वन वैल्यू इज फॉल्स देन इट विल बी फॉल्स. ओके, बट कैसे ये हम सीखेंगे. ओके, मैं एग्जांपल भी दूंगी आज आपको, मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ पे यूज होगा, कैसे हम इसको कहाँ पे यूज करते हैं. ओके, उसका पर्पोज क्या है. देन और टेबल, और टेबल भी आप लोग को शायद पता होगा सारे लोग को. और में क्या होता है, एनी वन इज ट्रू देन इट विल बी ट्रू. ओके, कोई भी एक कंडीशन आपका ट्रू हो जाएगा तो वो ट्रू है. नॉट, नॉट में एक इनपुट होता है, अगर आप ट्रू पास कर रहे हो तो फॉल्स आएगा, अगर आप फॉल्स पास कर रहे हो तो ट्रू आएगा. अभी इसको बेस करके हम देन हम रिलेशनल ऑपरेटर भी देख लेते, फिर सबको मिलाकर मैं एग्जाम्पल आपको बताऊंगी. रिलेशनल ऑपरेटर सबको पता है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू. ओके, दिस इज कंपैरिजन के लिए यूज होता है. ग्रेटर देन, दो वैल्यू का, दो ऑपरेंड को आप कंपैरिजन करना है तो इज ए ग्रेटर बी, येस और नो, द आंसर विल बी एदर इन येस और इन द नो, दैट इज इज बुलियन रिटर्न. इट ऑलवेज रिटर्न द बुलियन वैल्यू, ये बात ये याद रखो. ओके, रिलेशनल ऑपरेटर ऑलवेज रिटर्न द बुलियन वैल्यू. ये पूछा जाता है इज ए ग्रेटर देन 5, येस और नो, दैट इज योर आंसर. ओके, सो दैट इज नोन एज योर रिलेशनल ऑपरेटर. एंड टर्नरी ऑपरेटर, नेक्स्ट इज योर टर्नरी. टर्नरी ऑपरेटर ऑल्सो नोन एज कंडीशनल ऑपरेटर. इसको क्या कहते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर भी बोला जाता है. क्यों? बिकॉज जो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है, हम जब स्टेटमेंट पढ़ेंगे तब हम सीखेंगे, जो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है ना, इफ एल्स, उसको रिप्लेस करके वी कैन टेक दिस ऑपरेटर. यूजिंग दैट ऑपरेटर सिंपल स्टेटमेंट वी कैन डू. ओके, जैसे कि इफ ए ग्रेटर देन बी, तो हम ये जो ऑपरेटर यूज करके सिर्फ ए ग्रेटर देन बी, इफ इट इज ट्रू दैट इज क्वेश्चन मार्क देन ए, इफ इट इज फॉल्स
देन बी. ओके, तो इफ एल्स का एक रिप्लेसमेंट दिया गया है, दैट इज टर्नरी ऑपरेटर. तो नेक्स्ट ये हो गया टाइप ऑफ ऑपरेटर. अनदर वन इज बीट वाइज ऑपरेटर है, इतना मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगा, कभी टाइम मिलेगा तो बताऊँगी. बट अभी क्या करूँगी मैं, इतने ऑपरेटर जो मैंने दिया है ये सबका एग्जाम्पल कहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट करोगे वो बताऊँगी. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू इंस्टॉल. ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देखेंगे. देखो अब हम लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे. लॉजिकल ऑपरेटर में जनरली हमने क्या क्या लिया था, एंड एंड और एंड नॉट, ये तीनों लिया था. तो ये जो वर्ड है ना एंड, इट इज ए कंजेक्टिव. कंजेक्टिव मतलब क्या होता है, दो स्टेटमेंट को जॉइंट करना है. ओके, दैट इज नोन एज योर कंजेक्टिव कंजेक्टिव वर्ड. ओके, एंड तो ये कौन सा स्टेटमेंट को जॉइंट करेगा, इट विल जॉइन द रिलेशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट. ओके, जो हमने रिलेशनल ऑपरेटर ले रहे हैं ना, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जो हमने ले रहे हैं ना, ये जो स्टेटमेंट हम लिखेंगे उन दोनों को जोड़ना है. ओके, इधर वी विल टेक द एंड और वी टेक द और. एंड मतलब क्या है, इफ इट इज़ ट्रू एंड इट इज़ ट्रू, और इफ इट इज़ ट्रू एंड इट इज़ फॉल्स, दैट इज योर एंड. ओके, और मतलब इधर वन, इफ इट इज़ ट्रू देन इट इज़ ओके, इफ इट इज़ फॉल्स देन और एनी वन चॉइस, दैट इज और में क्या होता है, एक भी कोई भी एक ट्रू होगा तो चलता है. ओके, एंड में हमने देखा दोनों कंडीशन ट्रू होगा तो ही हमारा स्टेटमेंट ट्रू होगा. ओके, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, देखो पहले रिलेशनल ऑपरेटर में लिख रही हुए लिखा मैंने ए, लेट से मैंने दिया ए इज इक्वल टू फोर. ओके, एंड मैंने दिया बी इज इक्वल टू टू, एंड और एक दिया मैंने वैल्यू सी इक्वल टू, मैंने लिखा फाइव. ओके, अब देखो मैं कंडीशनल ऑपरेटर सॉरी पहले रिलेशनल ऑपरेटर यूज कर रही हूँ. हमने लिखा इज ए, हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, इज ए ग्रेटर देन बी. देखो इधर इज ए ग्रेटर देन बी, यस और नो, यस, व्हाट इट विल बी रिटर्न, ट्रू. ओके, देन नेक्स्ट इज ए ग्रेटर देन सी, इज ए ग्रेटर देन सी, तो व्हाट इट विल बी रिटर्न, ए ग्रेटर देन सी है क्या, देखो नो, देन इट विल रिटर्न फॉल्स. ओके, तो अगर हम सिंगल रिलेशनल ले रहे तो कोई भी लॉजिकल ऑपरेटर हम यूज नहीं कर रहे, दैट मीन्स ये हमारा इधर आंसर ट्रू और फॉल्स में आ जाएगा एक ही स्टेटमेंट में. इफ ए ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर, एल्स बी इज ग्रेटर. ओके, हम स्टेटमेंट में अच्छे से पढ़ेंगे. ओके, बट जब भी हमारा दो कंडीशन एक साथ मुझे चेक करना है, मुझे चेक करना है कि विच वन इज ग्रेटर, इनमें से कौन सा बड़ा है, तो तभी क्या होता है कि हम एक एक वेरिएबल को लेकर दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं. तब हमारा क्या हो जाता है, जो रिलेशनल स्टेटमेंट है ना, मोर देन वन हो जाता है. तो हाउ टू जॉइंट ऑल दिस थिंग, यूजिंग द लॉजिकल ऑपरेटर. ओके, यूजिंग द लॉजिकल ऑपरेटर, इधर एंड और. ओके, कोई भी एक हम ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट. तो इस केस में क्या होगा, देखो इज ए ग्रेटर देन बी, ट्रू, एंड ए ग्रेटर देन सी, फॉल्स. तो क्या होगा बताओ, रिजल्ट क्या आएगा, अभी ट्रू एंड फॉल्स, आंसर इज फॉल्स, दैट मीन्स फॉल्स सेक्शन में चला जाएगा. हमेशा याद रखो लॉजिकल ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर ऑलवेज रिटर्न्स द बुलियन वैल्यू. ओके, ऑलवेज रिटर्न द बुलियन वैल्यू, बुलियन वैल्यू मतलब एदर ट्रू और फॉल्स, समझ में आया. तो नेक्स्ट और एक मैं कर रही हूँ, जैसे मैंने दिया और का यूज करेंगे हम. ओके, लेट्स से मैंने लिखा इफ ए इज इक्वल टू फाइव एंड बी इज इक्वल टू
b is equal to 10. Okay. तो मैंने लिखा अगर मुझे और लेना है. ओके तो मैं अगर मैं लिखूंगी इफ ए ग्रेटर देन, इफ ए ग्रेटर देन 10 और बी, इफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 10 और बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10, देन हमारा कुछ वैल्यू हमारा जो भी हम मैनिपुलेशन करेंगे. अब पहले चेक करो इज ए ग्रेटर देन 10, इज ए ग्रेटर देन 10, नो 10 से ये बड़ा है क्या? नहीं है ना. तो क्या रिटर्न होगा? ये फॉल्स फॉल्स. और देन बी इज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10, यस ग्रेटर देन नहीं है तो इक्वल टू है 10, तो यस ट्रू. तो ट्रू फॉल्स और टेबल में हमने देखा था फॉल्स और ट्रू बट इट विल बी रिटर्न ट्रू. दैट मीन्स हमारा ब्लॉक जो है हमारा जो कर्सर इट विल गो टू द ट्रू सेक्शन. ओके हर एक ऑपरेटर का लॉजिकल एंड रिलेशनल का एक ट्रू ब्लॉक और एक फॉल्स ब्लॉक रहता है. ट्रू ब्लॉक में जब हमारा रिजल्टेंट जो आता है इफ इट इज ओनली रिलेशनल और रिलेशनल विद द लॉजिकल ऑपरेटर जो भी बुलियन वैल्यू रिटर्न होता है ना अकॉर्डिंग टू दैट आवर कर्सर विल गो टू दैट पर्टिकुलर ब्लॉक. ओके कैसे? जैसे हम स्टेटमेंट में हम अच्छे से सीखेंगे. जैसे मैंने लिखा इफ इफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 5, अगर मैंने ये लिखा देन ए इज, मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखा ए इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन 5, ये हम पहले लिखे आंसर आएगा. लेट से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. तो अभी ये केस में नहीं है तो बताएगा कि नहीं ए इज नॉट ए ग्रेटर देन 5. ओके तो अभी ये केस में देखो ये स्टेटमेंट हम बाद में तो अच्छे से हम सीखेंगे ये इफ एंड एल्स वाला. अब देखो अभी ए का वैल्यू क्या लिया, ये 5 ले लिया ना. 5 देखो 5 ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यस ना नहीं, यस यस मतलब ट्रू ट्रू रिटर्न होगा. तो ये ट्रू वाला एग्जीक्यूट होगा. तो ये जो रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर कहाँ पे इट इज, इफ इट इज नॉट, वी आर नॉट यूजिंग एनी इफ एल्स इफ स्टेटमेंट. इफ आप नहीं लिख रहे हो तो इट इज यूजलेस. अभी उसको इट इज नॉट ए कम्प्लीट स्टेटमेंट, ये ऐसा ही लिखेंगे तो कंपाइलर को समझ में नहीं आएगा. ओके समझ में आया ना. तो हम इसको लेना है इफ यू आर टेकिंग द रिलेशनल और लॉजिकल देन यू हैव टू टेक द इफ स्टेटमेंट. आप इफ स्टेटमेंट लोगे तो हम ये इसका यूज कर सकते हैं. ओके तो समझ में आया. तो रिलेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर कैसे यूज होते हैं? बोथ आर इंटर रिलेटेड टू इच अदर. अभी सिर्फ रिलेशनल में काम नहीं होगा. हाँ एक ही इष्ट है तो चलेगा बट दो तीन कंडीशन एक साथ आ जाएगा. जैसे कि मैं बोलूँगी कि चेक कैरेक्टर इज दैट इज योर वोवल्स और नॉट. ओके वोवल्स के लिए क्या चेक करते हो आप? देखो मैंने बोला चेक ए कैरेक्टर इज वोवल्स और नॉट. ओके तो अब क्या चेक करना है वोवल्स के लिए? लेट से मैंने एक कैरेक्टर कैरेक्टर वेरिएबल ले रहा है. कैरेक्टर वेरिएबल ले रहे हो तो हमको कैरेक्टर में डिक्लेयर करना पड़ेगा. लेट से कैर ए इज इक्वल टू मैंने लिया कैर कैर ए ए नहीं लेंगे कैरेक्टर कैरेक्टर हमने लिया मैंने लेट से सी. ओके सी इक्वल टू मैंने सिंगल कोट में रखा सिंगल कोट बिकॉज इट इज कैरेक्टर याद रखो मैंने कैपिटल ए लिखा लेट से. हाँ इसका भी हम कंडीशन देंगे स्मॉल एयर कैपिटल का इसका प्रोग्राम भी हम करेंगे. अभी बताओ अभी मुझे चेक करना है किसके साथ चेक करना है? ए ई आई ओ यू तो बबल्स. अभी ए होगा तो बबल्स, ए ई होगा तो बबल्स, ए आई होगा तो बबल्स, ए आई ओ होगा तो बबल्स, यू होगा तो बबल्स. इनमें से कोई भी ट्रू दैट मीन्स और. तो इसी में क्या होगा अगर इफ सी इज अभी इक्वल टू ऑपरेटर लेना पड़ता है. सी इज इक्वल टू ए कैपिटल में ले रही हूँ कैपिटल ए और
और सी इज इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू डबल इक्वल टू रहेगा कंपैरिजन के लिए ए ई। तो ऐसे हम और देकर चेक करें, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो हमारा ट्रू है, ए ई आई ओ यू। अगर मेरा कैरेक्टर इज एक्स, अगर दिस कैरेक्टर इज एक्स, ओके, ओके क्या ले रही हूँ मैं, एक्स ले रही हूँ, ओके अगर कैरेक्टर इज एक्स, क्या एक्स इज ए बबल्स, नो, तो एक्स इज नॉट ए बबल आएगा, ओके तो बिकॉज ये और में कोई भी एक कंडीशन भी उसके लिए ट्रू साबित नहीं हुआ। समझ में आ गया, और एंड कहाँ पे यूज होता है, क्या रिटर्न करता है, हमेशा याद रखो एंड एंड और जो है एंड और जो रिलेशनल ऑपरेटर है बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर। जिसने भी नोटबुक है साथ में आप लोग लिख दो, लिखना चाहते हो तो एग्जाम्पल, ओके ये समझ में आ जाएगा अभी, ओके और ये समझ में आया, क्लियर है। देन नेक्स्ट इज टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर कहाँ पे यूज होता है, जनरली मैं स्टेटमेंट में जब इफ एल्स स्टेटमेंट बताऊंगी तब मैं बता दूंगी, लेकिन फिर भी एक मैं बता देती हूँ। जैसे मैंने लिखा फॉर एग्जांपल लिखा मैंने इफ इफ ए ग्रेटर देन बी देन इट ऑलवेज रिटर्न इंटीजर वैल्यू, याद रखो ए इज इक्वल टू 5, एल्स एल्स लेट से मैंने लिखा बी इज इक्वल टू एल्स बी, ओके जो जो वैल्यू है वो रिटर्न होगा, ओके इट रिटर्न ए एल्स बी, ओके दैट इज योर इंटीजर वैल्यू। ये मैं नहीं ले रही हूँ बिकॉज ये मैं वैल्यू मुझे इधर नहीं लेना है, ये बिकॉज ये इंटीजर ही रिटर्न होगा। ए का वैल्यू मैं पहले हम असाइन करेंगे, ए का वैल्यू हम पहले असाइन करेंगे, क्या असाइन करेंगे, ए इज इक्वल टू लेट से 5 एंड बी इज इक्वल टू लेट से मैंने लिया 2, ओके अब देखो इसी को रिप्लेस करना है मुझे एल्स बी, ओके ये नहीं चाहिए, अरे सॉरी ओके नाउ अब इसको रिप्लेस करना है टर्नरी में, तो क्या लिखूँ पता है, सी हमेशा याद रखो क्या रिटर्न कर रहा है, इंटीजर वैल्यू, बुलियन नहीं इंटीजर, यस इट इज इम्पोर्टेंट, ओके इट शुड बी इंटीजर। ए इफ इट इज ए ग्रेटर देन बी, इफ इट इज यस, यस मतलब क्वेश्चन मार्क, इफ इट इज यस देन ए, इफ इट इज फॉल्स देन बी, ठीक है। तो ए ग्रेटर है तो सी में क्या आएगा, अभी सी को प्रिंट करेंगे तो इधर ए आएगा और बी आएगा, अभी क्या आएगा बताओ, ए में 5 है बी में 2 है, 5 इज ग्रेटर देन 2 यस ना, तो ए मतलब सी में आंसर आ जाएगा 5, प्रिंट करेंगे तो 5 आ जाएगा। सो दिस इज योर टर्नरी ऑपरेटर, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी ये एक रिप्लेसमेंट है इसका, तो मैंने बता दिया, ओके तो आज के लिए इतना ही है। एंड मैंने कुछ एक्टिविटी जो आपको कराया था वो मैं फटाफट सॉल्व कर लेती हूँ, आप लोग अपना आंसर चेक करो, और आप लोग कमेंट में आंसर भी नहीं लिख रहे हो, कमेंट में कुछ भी नहीं दे रहे हो, तो मुझे पता नहीं चलता है एक्चुअली आप लोग कर रहे हो ना नहीं, जो जो मैं दे रही हूँ ये असाइनमेंट, प्लीज़ आप करते रहना बिकॉज ये आपके लिए ही इम्पोर्टेंट है। 12 पोस्ट मैं और एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट करती हूँ, आप लोग अपना आंसर चेक करो, ऑलरेडी मैंने बता दिया 13 हो गया, मैं सिर्फ ऐसा कर रही हूँ 12, ओके 72 इज योर आंसर, चेक इट नाउ 72 करेक्ट और नॉट, ओके ओके नाउ दिस वन इज सी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस, पोस्ट है 4 इंटू, ये कोई भी कॉम्पिटेटिव आप एग्जाम दे रहे हो ना तो आपको ये क्वेश्चन आता ही है, बी प्लस आप अगर आपको आप कोई भी साइट में जाओ देखो ये टाइप का प्रेडिक्ट आउटपुट आप देखो तो आपको समझ में आ जाएगा, प्लस प्लस बी मतलब 4 है, ओके 4 मल्टीप्लाइड विथ 5 देन प्लस 10, और कहीं पे कुछ भी नहीं यूज हुआ है, ये तो सिंपल ही है, ओके
तो 24 20 कितना हुआ, 44 प्लस 10 54। ओके नाउ दिस वन प्लस प्लस चेक करो, किसी कितने जन का आंसर एटलीस्ट करेक्ट आया है कमेंट में लिखो। क्या जाता है, आप लिखोगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ तुम लोग कर रहे हो, तो मैं जो मेरा मेहनत है कि काम में आ रहा है, बस वही मुझे चाहिए कि बच्चे सीख जाए। बी का बी प्लस प्लस, बी मतलब क्या पोस्ट है, देखो बी 8 है, 8 मॉडुलस, 8 मॉडुलस 3, सॉरी 8 मॉडुलस 3। ओके ना क्वेश्चन, ये इसका जाएगा क्वेश्चन प्लस इसका जाएगा रिमाइंडर। ओके रिमाइंडर क्या होगा इसका, 3 2 6 2, 4। बहुत सिंपल दिया था, कहीं पे रीयूज वाला मैंने वेरिएबल नहीं दिया था, सिर्फ मॉडुलस एंड क्लास का यूज। चेक करो कितने जन का आंसर करेक्ट है, आई थिंक सबका होगा इतने सारे बताने के बाद। तो ये रहा आपका रिलेशनल लॉजिकल एंड टर्नरी ऑपरेटर मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्लास से मैं इंस्टॉलेशन सिखाऊंगी, सी प्लस प्लस का, जावा का, सबका इंस्टॉलेशन। साइमल्टेनियसली मैं लॉजिक सिखाऊंगी, मैं प्रोग्राम नहीं सिखाऊंगी, लॉजिक बार बार एक ही वर्ड में बता रही हूँ, लॉजिक सिखाऊंगी। तो देर आर डिफरेंट वे टू अप्लाई द लॉजिक फॉर द पर्टिकुलर प्रोग्राम। आप लोग ने सिर्फ एक ही प्रोग्राम रटा लगाना ये वो देखा था कि इवन नंबर है तो मॉडुलस कर दो, बट मैं आपको सिखाऊंगी कितने सारे वे है, हाउ टू यूज योर लॉजिक टू, हाउ टू अप्लाई योर लॉजिक टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, दैट इज इम्पोर्टेंट। कैसे आप सोचोगे, सोचना कैसा रहता है, क्या क्या की पॉइंट्स है, ये मैं बताऊंगी। प्लीज आप मेरा वीडियो देखते रहना, लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन आइकन दबाओ, क्योंकि वो मैं जो नया वीडियो डालूंगी तो ऑटोमेटिकली आपके पास चला जाएगा। ओके मेरे साथ देखते रहना वीडियो एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।